जाने माने पत्रकार करण थापर की लिखी किताब डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी इन दिनों काफी चर्चा में है। वजह है इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा गुस्सा दिखाना। दरअसल वैसे तो अमिताभ बच्चन को शांत स्वभाव के तौर पर जाना जाता है, फिर ऐसा क्या हुआ जो अमिताभ इतना गुस्सा हो गए कि जया बच्चन रोटी लेने गई कि फिर वापस ही नहीं लौटी। आइए आपको बताते हैं उस पूरे किस्से के बारे में। दरअसल किताब के मुताबिक अमिताभ बच्चन के घर पर पत्रकार करण थापर इंटरव्यू लेने गए थे। इस दौरान करण ने अमिताभ की फिल्मों और निजी जीवन से जुड़े कई सवाल किए थे। करण ने अपनी किताब में बताया था कि बिग बी से इंटरव्यू के दौरान उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर भी उन्होंने बात की थी। बात जब रेखा और परवीन बॉबी के संग अफेयर की आई तो अमिताभ ने इसे सिरे से नकार दिया। करण का कहना था कि इंटरव्यू के बाद करण और उनके क्रू मेंबर अमिताभ बच्चन के साथ लंच कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अमिताभ बच्चन के अंदर इंटरव्यू के दौरान पूछे गए अफेयर के सवाल पर दबा गुस्सा देखने को मिला। करण लिखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर जब जया बच्चन ने अमिताभ से चावल लेने के लिए पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा था कि उन्हें पता है कि वो चावल नहीं खाते, फिर वो चावल क्यों दे रही हैं? इस पर जया का कहना था कि रोटियां बनने में देर हो रही है, इसीलिए वो चावल देना चाह रही थी। किताब के मुताबिक अमिताभ ने फिर नाराजगी में कहा कि वो चावल नहीं खाते, वो रोटी आने का इंतजार कर लेंगे। इस पर जया का कहना था कि जब तक रोटियां नहीं आती तब तक वो चावल ही खा ले। इसके बाद अमिताभ और नाराज हो गए और कहा कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, रुक जाओ, वो रोटियों का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जया ये कहकर वहां से चली गई कि वो रोटियां लेने जा रही हैं। करण ने अपनी किताब में लिखा कि इसके बाद जया डाइनिंग टेबल पर दोबारा लौटकर नहीं आई। करण थापर के मुताबिक अमिताभ का ये गुस्सा उनके अफेयर के अफवाह पर था जो डाइनिंग टेबल पर निकला था। करण का कहना था कि इतना सब देखने के बाद उनकी भूख मर गई थी और वो वहां से जल्दी ही निकल गए थे।